उनकी औकात ही क्या है कि वो बकवास कर सके। ठीक है, वो तो उनको सबको पता है पाकिस्तान नंगा भी है, भूखा भी है, रोटी कपड़ा और मकान तो ये सारी चीजें इनके पास नहीं है। तो बेशरम बांदरी, अपनी जुबान को कंट्रोल में रख के बात किया कर। शर्म तो तूने कब की बेच खाई है पाकिस्तान में, तूने शर्म बेच खाई थी। छुप छुप के तू सारे कांड करती रही, जो कि किसी को कभी ना भनक लगी ना किसी ने तेरी चोरी पकड़ी, क्योंकि तू अकेली रहती थी, जिसको जो कहती थी सब लोग उसी के ऊपर एतबार करते थे। अभी तू इंडिया में जाके बैठ के हमारे मुल्क के बारे में बकवास करती है, कहती है रोटी कपड़ा और मकान के लिए भीख मांगे, भीख मांग रहे हैं, ये भीख तू मांग रही है। पाकिस्तान का घर बेच के तू गई है, पाकिस्तान का पैसा उड़ा के अय्याशी में तू गई है, पाकिस्तान के बच्चे तू उठा के लेके गई है। ठीक है, और तू पाकिस्तान के बारे में इंडिया में पहुंच के तू समझती है कि मैं बड़ी सुकून के साथ इज्जत के साथ बैठी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरी लोकेशन बकायदा हमें लोगों ने भेज दी है, तू यहां से हमारे पाकिस्तान से तू हमारे घर से बैठी हुई है 17 घंटे 24 मिनट के सफर पे, तू ये मत भूल के तू इसी जहां में बैठी हुई है। खबरदार अगर तूने फिर हमारे पाकिस्तान के बारे में ये बोला कि ये लोग तो भीख मंगे हैं, ये लोग तो रोटी कपड़ा और छत के लिए रो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ की आबादी हमारे पाकिस्तान की, इससे भी ज्यादा है तकरीबन। ठीक है, तो क्या तूने उनको रोटी कपड़ा और छत लेके दिया है भिखारिन? उल्टा तू हमारे पाकिस्तान की छत बेच के अपनी अय्याशी के ऊपर तूने लगाया, इंडिया में जाके अनलीगल तरीके से तू जाके छुप के बैठी हुई, और तू हम लोगों के ऊपर बात करेगी, हम लोगों के ऊपर बोलेगी कि रोटी कपड़ा छत के लिए हम लोग रो रहे हैं? हम नहीं रो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है। तो रो तो रही है तू, नेशनैलिटी के लिए तू रो रही है भिखारिन। अपने मुल्क की नेशनैलिटी थी, अपने मुल्क से मैं तू आजाद से रहती थी, आजाद से घूमती थी, आजाद से फिरती थी, वो तुझे इज्जत रास नहीं आई। अभी दूसरे मुल्क में जाके बैठ के तू उनसे भीख मांग, मुझे नेशनलिटी दे दो, मुझे पनाह दे दो अपने मुल्क में, मैं आपके शरण में आई हूं। तुझे किसने बुलाया, किसने तुझे दावत दी थी कि तू आ हमारे मुल्क में, और तू जमीलो ख्वार उधर हो रही है? सही हो रहा है तेरे साथ, ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों, ऐसे इस भिखारिन के साथ होना चाहिए। अभी आप देखें कुछ इसकी वीडियो पीछे जाए, हम लोग कुछ इसकी वीडियोस देखें, तो उसने ये भिखारिन खुद कहती है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं इतनी उस चूहे के प्यार में अंधी हो चुकी थी, कहती है मैंने कहा मुझे बच्चे नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूं। इतनी हद तक कोई गंदा हो सकता है, कोई अंधा हो सकता है, जैसे ये इतनी अंधी हुई गंदी औरत जो अपने पेट तक को भी भूल गई, ये अपने पेट के ऊपर से भी रास्ता ढूंढ लिया, इसने रास्ता क्रॉस करके जा रही थी, और पहले ये नेपाल गई तो किसने इसको पैसे दिए? तेरे वालिद साहब ने तुझे पैसे दिए? ये ले बेटी, तो अय्याशी घर, या किसी यार ने दिए? यारों को तो खुद खिलाती थी, किसी को चाय बना के दे रही है, किसी को खाना दे रही है, किसी को कपड़े देती थी, ये थी इसकी असलियत। पहले भी नेपाल गई, अपनी चाची के पास बच्चे छोड़े, 10,000 उसको दे दिया कि चाची मैं जा रही हूं, ग्रुप जा रहा है, हमारी सारी सहेलियां जा रही है कराची से दरबार में, एक बीबी की दरबार थी, सॉरी अभी मुझे नाम याद नहीं है, मैं वहां पे जा रही हूँ लाहौर में। ठीक है, उसके बाद ये अपने यार से मिलने के लिए गई, जब यार से मिलके आई, जब वहां पे गई तो इसकी नियत खराब हो गई, यार को कहती मैं तेरे साथ चलती हूँ, और वहीं चूहा कह रहा है कि तू बच्चों के बगैर नहीं जी पाएगी, तू वापस जा, तू बच्चे लेके आ। शायद आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, पहले ये वीडियो मुलायजा कीजिए, उसके बाद मैं बात करती हूँ। यही खुद कहा था कि बिन माँ के बालक, वहाँ पर तेरा कोई नहीं है, तो बिन माँ के बालक छोटे छोटे बालक हैं, कि बिन माँ के बालक ऐसे ही रहेंगे, तू एक काम कर, तू यहाँ से, जब पहले नेपाल में मिले थे हम, कि तू जा, ये तो ये कह रही थी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, बच्चे घर पे थे चाची वाली को, चाची वाली कब तक रखती, सब टॉर्चर करते हैं, तो मैंने बोला कि तू एक काम कर, कि तू वहाँ पर जा, तू अभी मत मेरे साथ जा, मेरे साथ मत चल, तू वहाँ जा और बच्चों को साथ लेकर आना, मैंने ही खुद कहा था इसको। आपने कहा था बच्चों को साथ लेकर? जी सर। मैंने तो कह रहा बिल्कुल अंधी थी, तो तुम चाहिए बच्चे बहन पाल लेगी, पर इन्होंने कहा नहीं, तुम सारी जिंदगी होती रहोगी। हाँ तो भी क्या है ये कट है सर, कैसे बॉर्डर पार करते लगे इनसे लड़ाई में लगे, अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत। तो प्यारे व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देखी, आप खुद फैसला कीजिए, क्या ये माँ बनने के लायक है जो खुद को कहती है कि मैं अपने बच्चे कभी नहीं दूंगी, मेरे बच्चे मेरी जान है, मेरे बच्चे मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते। अभी ये बताए, जब ये नेपाल में गई थी इसके बच्चे 8-10 दिन कैसे रहे थे इसके बगैर, और अभी भी ये सिर्फ बच्चों का यूज कर रही है अपने लिए कि मैं जेल जाने से बच जाऊं, जो मैंने कांड किया, अनलीगल तरीके से घुसी हूं, ये चाहती है मैं जेल जाने से बच जाऊं, इसलिए सिर्फ इसने अपने बच्चों का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए बच्चे वापस नहीं देना चाहती। ये वो अंधी औरत है जिसने कहा मैं अपने बच्चे पाकिस्तान में छोड़ दूंगी, मेरी बहन पाल लेगी। ठीक है, अभी इसको बोलो अगर तेरी बहन पाल लेगी तो तुझे अभी क्या इतराज है, तू बच्चों को क्यों यरगमाल बना के बैठा के बैठी हुई है, बच्चों का क्यों तू इस्तेमाल कर रही है, उन मासूमों की, चार बच्चों की जिंदगी तो खराब कर रही है, और कहती है कि मैं बहुत अच्छी माँ हूं, मैं इनकी बहुत अच्छी परवरिश कर रही हूं,
और मेरे बच्चे मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकते। तब तेरे बच्चे कैसे रहते जब तू नेपाल में यार से मिलने गई थी, अय्याशी करने गई थी, प्लानिंग आगे की बनाने गई थी कि आगे मैं क्या करूं, मुझे अपनों से बदले लेने, मुझे यारों से बदले लेने, मुझे मेरे अपनों से चाची पापा मामू वालों से बदले लेने, पता नहीं किस किस से ये औरत बदले लेगी और कब तक ये ऐसे भागती फिरेगी, कब तक ये ऐसे भटकती रहेगी। खुद तो भटक गई है, ठीक है, और साथ में अपनी बच्चों की भी इसने जिंदगी खराब की हुई है। इसका क्या हक बनता है कि ये अपने बच्चों की जिंदगी खराब करे। ये तो वैसे भी उस चूहे के प्यार में इतनी पागल और अंधी हो चुकी थी, इसने खुद ये बयान दिए थे कि मैं इसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। ये तो खुद अंधी हो चुकी है उसके प्यार में और ठुमके लगाने में और अपनी अय्याशियों में, तो ये क्यों बच्चे नहीं वापस करती? बच्चे तो इसको वापस कर देने चाहिए पहले भी, कौन सा ये बच्चे रखने वाली थी। ये ऐसी बद, अब मैं क्या बोलूं, कुछ पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से मैं अभी क्या कह रहे हैं नहीं बोल सकती, नहीं तो मैं इसको अच्छा खासा सुनाती। ये बेशरम औरत जो पहले भी अपने बच्चे छोड़ के आने वाली थी, ये तो चूहे ने बोला कि तू बच्चे लेके आ, बच्चों के बगैर तू एक मिनट के लिए नहीं जी पाएगी, फिर इसने चूहे के कहने पे वापस आई पाकिस्तान में और अपना मकान बेचा। ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हुआ, ठीक है, और ये जो पाकिस्तान वाले इसके यार हैं जिनने इसकी हेल्प की, इसका मकान बेच के दिया और इसको पैसे दे के, पैसे दिए मकान बेच के और इसकी सारी चीजें बनवा के दी, वो भी तो इन सब में मुलव्वस है ना। ये बड़ी शातिर औरत है, ये कभी भी कहीं भी किसी भी मर्द को फंसा लेती है और ऐसे चुटकी में फंसा लेती है। इसके आगे ये कोई ज्यादा क्या कहते हैं दुखी काम नहीं है, ये ऐसे फट से पटा लेती है, कोई इसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहां से आंख मारती है वहां से ऐसे चुटकी बजाती है तो अगला इसके कदमों में आ जाता है। ये ऐसी बेशरम औरत है जो आज कहती है कि बच्चे मेरे हैं। अरे तेरे किधर से हैं? तू तो खुद, तू खुद कह रही है, तेरे बकौल तूने खुद ये बोला था वीडियोस में कि मैं चूहे के प्यार में अंधी हो चुकी थी और मैं ऐसी अकेली इसके साथ इसके घर में जाना चाहती थी। ये मुझे लप्पू ने कहा तो बच्चों के बगैर नहीं जी सकेगी, जब उस चूहे ने बोला तो फिर जाके ये बच्चे लेके आई है पाकिस्तान से। अरे तुझे तो बच्चों से प्यार ही नहीं था और आज तू कैसे दावा करती है कि मुझे मेरे बच्चों से प्यार है, मैं बच्चे नहीं दूंगी, बच्चे मेरी जान है, बच्चे मुझसे एक मिनट के बगैर, मेरे बगैर एक मिनट भी बच्चे नहीं रह सकते। दोस्तों इसके बच्चे इसकी बड़ी बहन नेपाल है, उसी के पास ज्यादातर होते थे, उसने इनकी परवरिश की है और गुलाम नजर खर्चा भेजता था और ये पीछे से यही ठुमकू में, यही अय्याशियों में होती थी जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तू ठुमके लगा, तू मजहब चेंज कर, तेरा जो दिल करे तू कर, तू इंडिया में रहे, लेकिन बच्चों के ऊपर तेरा हक नहीं है, बच्चों के ऊपर से तू अपना हक खुद ही खो चुकी है। तो इतनी उस चूहे के प्यार में अंधी हो गई थी कि तू अपने बच्चों तक को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। अभी फैसला आप खुद कीजिए दोस्तों, क्या ये अच्छे काम कर रही है उधर बैठ के, बच्चों की जिंदगियां खराब करके बैठी हुई है, हमारे पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ गलत बोलती है, शर्म आनी चाहिए इसको, जो कि इसको नहीं बोलना चाहिए। इसी पाकिस्तान का खा के गई है, 40 साल इसी पाकिस्तान में रह के गई है, इसी पाकिस्तान का कपड़ा पहन के गई है, इसी पाकिस्तान की रोटी खा के गई है, इसी पाकिस्तान में अय्याशियां करके गई है, इसी पाकिस्तान की तालीम जो ये हासिल करके गई, आज ये खुश होकर जो टूटे फूटे कमेंट पढ़ लेती है इंग्लिश में उर्दू में, ये भी तो हमारे पाकिस्तान में तालीम हासिल करके गई है और आज हमारे पाकिस्तान को ये औरत बुरा भला कहती है। क्या कोई इससे पूछने वाला नहीं है? तू जहां पे खाती है उधर ही छेद करती है, उसी थाली में छेद करके वापस करती है। आज तू इंडिया का कहती है इंडिया जिंदाबाद, अगर तुझे नेशनलिटी मिल जाए तो फिर कल को तू इंडिया का क्या करेगी? दोस्तों ये आप लोगों के इंडिया को बेच खाएगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसी फितनी औरत है आज जो हमारे पाकिस्तान के बारे में गलत बोलती है। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कानून नहीं है तो तूने कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाए? पाकिस्तान में तो कानून नहीं है ना तेरे बकौल, तो तुझे कैसे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया गया? तुझे कैसे उन्होंने बेफार्म बच्चों के बना के दिए? तुझे कैसे बच्चों का एनएससी बना के दिया? तुझे कैसे बच्चों के पासपोर्ट बना के दिए? मुझे इस बात का जवाब दे। और कैसे तुझे नेपाल का विजिट 15 दिन का लगा के दिया गया, जबकि यहां पे तो कोई कानून ही नहीं है, यहां पे तो कोई हुकूमत नहीं है, इसके कहने पे नहीं है। इसको तो मैं क्या बोलूं, ये कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज है जिसकी वजह से मैं अभी चुप हो जाती हूं, नहीं तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। दोस्तों शर्म आनी चाहिए इसको, हमारे पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहती है लानती औरत।